और अपने रूट्स को वहां पर निभाते हुए। और चलिए हमारे बर्नाबास सर जी द्वारा इस मैच का अधिगम इसी के साथ यहां पर स्टार्ट हो गया है। और आज दिन का चौथा मुकाबला और कौन से टीम जीत करके अगला पिता के लिए जगह क्वालिफाई करेंगे। और आज ही एफसी संतान जिस टीम के साथ सेकेंड राउंड का सेकेंड क्वार्टर फाइनल मैचेस को खेलेंगे। और चलिए पुलिस के साथ मैं परिचय करा दूं। एसटी ब्रदर्स पाकुर के टीम जो कि इस प्रकार है। एसटी पार्ट है अपना बॉल कीपर करण कुमार का जर्सी नंबर 2, जबकि टीम के कप्तान है विक्रम बरानी जर्सी नंबर 4। और बैटरी लड़ाओ ना अपने जल में। लखन टुडू जर्सी नंबर 14, रामेश बरानी जर्सी नंबर 7 और सुभाष वासी जर्सी नंबर 3, रामचंद्र बरानी जर्सी नंबर 22 और शिव मुर्मू जर्सी नंबर 11, दिलीप बरानी जर्सी नंबर 9, जबकि अतिरिक्त खिलाड़ी है और यहाँ जमा कमेंट और इस तरह से यहाँ गए वहां पर फोन का इशारा हो गया है। और चलिए बीट पर बनाए तारी पर ये दिखा प्लेयर मुकाल का बनाए पर एफसी बैट बॉय टीम से खोई बिना पर मारे है चांद गोलकीपर का ना। इसके बाद लालपो 11 नंबर रहे, चार्लेस 10 नंबर हो गया, परगाना तो 12 नंबर और रामजन बनाए 4 नंबर रहे, कृष्णा रहे 7 नंबर रहे, साइमन 8 नंबर। इसके बाद शीत नंबर वो ये उन्होंने बड़े ना नंबर ने और उन्होंने खोए हापुर बाबू उन्होंने 14 नंबर ने और उन्होंने खोए सुनील 3 नंबर ने आठ बाल का क्लियर पड़ा के को और दी तरह उन्होंने खेल पे पे थे ये तो होम करना और खिलौड़ दिया का स्पीड रहता है पे करना सामने रे बोला टीम की खिलौना खेल बोला पहला गोल का से पढ़ा है जो करा दोबारा का है बहुत पोजीशन पे हो गया उन्होंने बेट बॉय टीम रंजन न्यू वाले प्लेयर हो गए अपने मैन खेलने बेहतर बहुत पीस हो गए खोल काफी देर अभी तो हो गए उन्होंने आयरस हो गए प्लेयर भी टट्टी बेहतर चकमा मत मीटर है ना अच्छा क्रॉस लिया ये रोज गोल कोई मैन खान वाले का है और पोजीशन पर है चला देना और गोल की ग्रे मौका नहीं था को जाने का तीन रन कप्तान बेटा डी लंबा गोल की किया होना जगह है फिर हाफ लेंथ पर थोड़ा गन बॉल और अच्छा हेडर फिर दोबारा मिडिल जोन रन खिलाड़ी ने अभी से बड़ा करा धीरे धीरे से यह नौ नंबर हो का प्लेयर अभी का तीन नंबर ले पर बॉक्स सप्ला मैन का डीबी से भी थे मकी पास लेफ्ट विंगर चार रन में सुमित है का मैन खाए मिडिल का बॉल उन्हें हटा है मैंने का थे का मैन खाए इधर थी होना जगह अभी का लोक सप्ला बोल रहे बेटा डी लाखो हाफ लाइन पर चला पाते हुए जगह बोले बच्चा बा फिर देखा और पीछे है एक ना एसटी ब्रदर पाको टीम नीचे लॉकिंग पास ले जाती है सुरेश इनका ट्रेनर हो बॉल ने पसीर चुका धीरे धीरे सुभाष थोड़ा कम 20 पास चलते हुए पॉइंट तीन कोई टीम बॉल को गया धीरे धीरे और पांच है बैठा है वही टीम होने हैं बीटे का ठोके या फिर उड़े का था मैं तब से ही होने हैं और बापू कमिशन डाली जाए करना मैं था ये था जरूर ने सूर्य चा बीटे क्रॉस इनको मैं था बॉल डिफेंस का था दे रहे पूरा जगह रही पूरा बीटे हॉल रेस आगे ना रिस्टेट रूप में और डी तो देखो फ्री की
वहाँ बेहतर और डीप रिया को हम बिटे डी खाता में रिया कर लिया बिटे डेटर प्लेस कोई नडे को मीटर शॉट रिया मौका को जमता एसपी ब्रदर्स पाकू टीम इस बार टीम और ये तीन तीन खिलाड़ी वहां शॉट के लिए तैयार है और से खिलाड़ी वहां शॉट लगाएंगे ये बेहतर फ्री किक और इस तरह से ये टॉप क्वालिटी का गोल इस मैच का सबसे बेहतर एक महत्वपूर्ण गोल डालते हुए शिवू मुर्मू और टीम के लिए अपोनेंट टीम के लिए ज्यादा बेहतर एक हानिकारक वाला प्लेयर ये फ्री की गोल और फ्री की मैखान हम लोग बेहतर शॉट गोल दिया मैखान चांद बरमू लेकर गोलकीपर होना जगह रहे बैंकान बॉल कोई चाउट करते बैंकान में एक पूर्व पूर्व तो है कि ना पर ना बॉल भाई कोई सामने था आनवाल का तीन एक सुनिए यहाँ पे लीड रहे हमने को तैनोंगा जबकि बेन बॉय टीम आ रही बेहतर रहने को और एक बिठो तो नहीं है मैच का ज्यादा समय बाग हुई कि ना और नियो समय रहे बेहतर रुकवा रुका खिलो ये तो हम समझ रहे अगर हम जेल के आप वहां समय रहे अगर गोल करने की तरफ कोई स्पीड रहता बड़ा टीम आज से रुको हम इधर जो 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 पाता हुआ और एक कोई बेड कोई टीम हो और रुको ठेडी का नक्शे बिना जहां ना कोई चिंता रहे कोई लगती बनो मैच रहे कभी दी परिणाम उड़ हुई था यार वहां परिणाम को जेलदा बीते भी ना कोई गोल इसी रूप में हुई ना एंटर लगी दिगान समय अनवा समय बैठा फिर होने कोई दुआ लिखाते होना जगह रही बिग कैप सिलेक्शन को आर नियत तरह रहे बड़े बोल नहीं ले पाए वहां से बोल सफल रहा होगा पीछे और बार गेंद को लेकर आगे बेहतर सप्लाई बाहर सुरेश के लिए और सुरेश का बेहतर हिट और इस तरह से बाहर गेंद को लाइन से बाहर की ओर और दूसरे के लिए खेल रहे हैं ये तो नहीं बेहतर तो हम थोड़ा में तगड़ा गोल मिट्टी को लगा होता हमें एसटी ब्रदर्स टीम हाँ दुआ अधिकार समय मिला नहीं था उठे जहाँ ना कोई तकलीफ भरू का पेड़ बैठी बैंकाम रणनीति चल का लगती है बाबू आज से बेहतर मान लगती है क्या चे उनका ना उठे चे उनका ना प्रतिभा जोड़ बिना आर चे करता इधर मैच उन्हें को एक बार दाया बिल्कुल सही कथा कर रहा तो हम हाफ या कुछ ही मिनट रे कुछ ही मिनट हुई करा लेकिन नोटे एसटी ब्रदर का अरे धुरंधर प्रयास के साथ सेकंड बॉल दीजिएगा सेकंड बॉल माफ कर दो और इसी बीच यहाँ थ्रोइन को जीत लेंगे एसटी ब्रदर्स बहुत ही अच्छा शॉट अपने सहयोगी को खेला है लेकिन वहां विपक्ष दल का एक बेहतरीन रिसीवर के साथ उछाला अपने सहयोगी के लिए लेकिन यहाँ पर दोनों के बीच और यहाँ से ब्रदर एक मजबूत डिफेंडर लेकिन कहीं ना कहीं यह अपील कर और यहाँ ऑफसाइड हो चुका था कहीं ना कहीं ये ऑफसाइड के ट्रैक में फंस चुके थे और ये अच्छा निरीक्षण और एक अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ से ऑफिशियल टीम का ये इनका एक खूबी रहता है कि ये शुरुआती शुरुआती मैचेस से ही इन्होंने काफी अच्छा निरीक्षण के साथ इन्होंने काफी बारीकी से एक एक प्लेयर्स को ये नोटिस करते हैं तो ये इनका एक खूबी है तो ये धन्यवाद के पात्र रहेंगे सभी ऑफिशियल टीम लेकिन इसे भी यहाँ मुकाबला देखना है यहाँ से कई तरह शॉट लगाया है लेकिन ये ऑन टारगेट शॉट नहीं लगाया है और लेकिन इसी प्रहर के साथ यहाँ पे खेलते बने रहना होगा यहाँ पर बैड बॉयज एफसी बैड बॉयज को चूंकि ये भी अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं जैसे मैंने एक कई दफा हमने देखा है कि कई अच्छे अच्छे खिलाड़ी इस बैड बॉयज के टीम से भी सिलेक्टेड है और ये भी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं और ये भी ऐसा क्षमता रखते हैं कि ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फिलहाल अभी फर्स्ट हाफ का कुछ ही समय हुआ है लेकिन अभी कहना मुश्किल नहीं है लेकिन मुझे यहाँ लग रहा है कि जिस अंदाज में उन्होंने एसटी
रडार को जवाब देना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन यही अंदाज बनाए रखना होगा जिस प्रकार उन्होंने प्रहर पे प्रहर लगाया था, कहीं ना कहीं यही अगर यही अंदाज बनाए रखेंगे तो शायद इस मैदानी जंग का परिणाम हो सकता है या वापसी हो सकता है इस मैदानी जंग में। और अगर यहाँ पर सधारा करना है एस टी ब्रदर्स पाकुड़ के लिए, चूंकि इन्होंने क्योंकि इनको हम कई जगह हमने देखा है, ये एक बेहतरीन खिलाड़ी है इस टीम से भी, और यहाँ पे स्टार प्लेयर जैसे हमें देखने को मिल सकता है कई, चूंकि इसमें सिलेक्टेड है और ये कई जगह एक बेहतरीन जो अच्छा योगदान देते हैं सभी मैचेस में, लेकिन यहाँ कहना उचित नहीं हो सकता है कि क्या होगा इस मैदानी जंग का परिणाम, चूंकि बहुत ही घमासान मुकाबला शुरू कर दिया गया है। यही अपेक्षा कर रहे थे कि चूंकि दोनों ही टीम से एक धुरंधर जो कि अच्छे अच्छे खिलाड़ी का सिलेक्शन हुआ है, तो यहाँ पर इस मुकाबला जो कि आज दिन का जो फोर्थ मैच अभी हम देख रहे हैं, इसमें शुरुआती छोर से दोनों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया है, तो वाकई में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इनका ये मैच देख करके। और लेकिन और इस सौभाग्य को प्राप्त करेंगे और यहां से तय कर, लेकिन कीपर की चतुराई बहुत अच्छा कलेक्शन यहां पर कीपर का, लगातार उछाला है गेंद को हवा में अपने सहयोगी के लिए, लेकिन वहां पर भी तो टीम रेड बॉल के खिलाड़ी वहां पहले मौजूद थे और अच्छा तालमेल यहां से, और यहां फाइनल की टीम से गेंद को ले जाने के प्रयास में गेंद को सरका दिया है, लेकिन यहां पर देखा जैसे नंबर टीम में एक अच्छे खिलाड़ी वहां कहीं ना कहीं गेंद को अगर रिसीव करते सही तरीके से तो वहां अपने सहयोगी के लिए मौका बना सकते थे। और इसी बीच दोनों के बीच दोनों ही खिलाड़ी अच्छे अपने सहयोगी को खेलने का प्रयास में, लेकिन इसी बीच यहाँ यहाँ पर बैट बॉय से खिलाड़ी गेंद को तेज प्रहार लगाकर अपने सहयोगी को धक्का दिया है, लेकिन इसी बीच यहाँ पर एस टी ब्रदर चतुराई से अपने सहयोगी को खेलने का प्रयास, और जिस खिलाड़ी को हम देख पा रहे हैं ग्रीन कलर के जर्सी में, लाइट ग्रीन कलर के जर्सी में, ये है एस टी ब्रदर्स पाकुड़, और इनके विपक्ष में जिस खिलाड़ी को हम देख पा रहे हैं ब्लू मिक्स विद ब्लू विद पिंक, यह है एफसी बैट बॉयज, और फिलहाल दोनों का परिणाम शून्य शून्य की बराबरी पर, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जल्द हमें परिणाम देखने को मिल सकता है, और इस गोल किक का अवसर प्राप्त करेंगे एफसी एसटी ब्रदर, और यहाँ से सरका दिया है अपने सहयोगी के लिए साइडलाइन के करीब से गेंद को ले जाने का प्रयास, यहाँ पर अपने सहयोगी की राह देखते हुए सभी दिशा में अपने सहयोगी को यहाँ पास दिया है, लेकिन यहाँ पर अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी निभाते हुए और अपना एक एक पल को सही उपयोग करते, लेकिन यहाँ से एक अच्छा निरीक्षण फाउल का कॉल आया है, और जिस अंदाज में दोनों ही टीमों ने दस्तक देना स्टार्ट कर दिया है, शुरू कर दिया है, ऐसा लग रहा है कि दोनों ही टीम जल्द से जल्द गोल करने के फिराक में है, और कहीं ना कहीं दोनों का ही अभी तक का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, लेकिन इसी बीच यहाँ पर प्रहर के साथ गेंद को सरका दिया हवा में, लेकिन यहाँ डीप जोन के करीब में पेनाल्टी एरिया के करीब शायद मुझे वहां लग रहा था कि कहीं ना कहीं वहां हेल्प नहीं करते और सही दिशा में गेंद को बनाते तो यहाँ पर परिणाम कुछ और हो सकता था, लेकिन इसी बीच यहाँ पर बहुत ही अच्छा तालमेल यहाँ पर देखना है एस टी ब्रदर का तेज दरार शॉट लगाकर, और इसी बीच यहाँ पर पहले गोल क्लास में क्या हो सकता है, और ये शॉट जरूर लगाए थे, और ये सही आक्रमण इन्होंने कर दिखाया है, और ये सही दिशा में शॉट लगाया, और संपूर्ण रूप से ये इन्होंने कर दिखाया है, और ये सिकू मुर्मू ने अपना दस्तक दे चुका है, दो शून्य की बढ़त पर लीड कर रहा है ये मैच, और यहाँ से बहुत अच्छा कनेक्शन यहाँ पर एक काफी भी वक्त है एफसी बेलबोर्स के लिए, क्योंकि ये भी अच्छे अच्छे खिलाड़ी है इस टीम से, और मुझे वाकई में ऐसा लग रहा है कि लेकिन अभी फर्स्ट हाफ में ही अगर कहीं ना कहीं यहाँ पर चुनौती का समय है, लेकिन यहाँ पर चुनौती को एक 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 समय एक एक पल एक एक मिनट इनके लिए बहुत कीमती रहेगा, लेकिन इस मिनट एक एक पल को यहाँ पर एक एक बारीकी से यहाँ पे यूटिलाइज करना होगा के लिए, और लेकिन यहाँ पर इसी बीच
अच्छा प्रहर के साथ, लेकिन यहाँ पर गेंद को सरका दिया है कीपर, बहुत ही अच्छा। लेकिन यहाँ पर अपने सहयोगी को देखते हुए एफसी रेड बॉयज, लेकिन देखना है तेज रन शॉट के साथ, लेकिन यहाँ पर विपक्ष टीम एक होनहार खिलाड़ी अपने सहयोगी को हेड के जरिए से गेंद सरका दिया है। और इसी बीच यहाँ पर ये पहला अटेम्प्ट हो सकता है, यहाँ पर अच्छा चकाने का कोशिश, लेकिन यहाँ से गेंद को नियंत्रण में नहीं रख पाए। और इसी बीच यहाँ सर का अच्छा निरीक्षण, और ये तेज रन शॉट एस टी ब्रदर का बहुत ही शानदार। इसी बीच यहाँ पर दोनों खिलाड़ी काफी आपस में टकराव, लेकिन इस बीच गेंद को जीत लेंगे बैट बॉयज। यहाँ से अच्छा तालमेल में देख पा रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर एस टी ब्रदर्स ने इस गेंद को लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसी बीच अच्छा गति के साथ यहाँ अब तालमेल बनाने का प्रयास है बैट बॉयज। तेज रन शॉट अच्छा क्रॉस आया है, लेकिन यहाँ पर और यहाँ से डीप जोन के करीब से क्या करना होगा, यहाँ से देख रहा है अच्छा शॉट, लेकिन ऑन टारगेट शॉट नहीं लगा पाए। यही अटेम्प्ट बनाए रखना होगा, यही आधा के साथ खेलते रहना होगा यहाँ बैट बॉयज को। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस अटेम्प्ट में पहले शॉट के मुकाबले इस शॉट पर अच्छा शॉट आया था, लेकिन ऑन टारगेट शॉट नहीं था। और गेंद को सरका दिया है, लेकिन यहाँ पर इस बीच तेज पहल के साथ एसटी ब्रदर्स का ये एक अच्छा खूबी है इस टीम का प्लेयर का, ये काफी अच्छा यूटिलाइज करते हैं एक एक पल को, और ये अच्छा परफॉर्म करते हैं हर जगह। और ये गेंद को कहीं ऐसे इधर उधर नहीं करते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि हमें एक एक पल एक समय का प्रकार सदुपयोग करना है। और अच्छा थ्रो के साथ यहाँ पर एस टी ब्रदर, लेकिन इसी बीच यहाँ पर बैट बॉयज के खिलाड़ी एक अच्छा खिलाड़ी होनहार खिलाड़ी यहाँ पर गेंद को सरकाने का प्रयास में अपने सहयोगी को खेला है, लेकिन अच्छा हेड के जरिए से यहाँ एस टी ब्रदर ने अपने सहयोगी को खेला है, लेकिन इसी बीच साइड के बाहर गेंद और थ्रो को जीत लेंगे बैट बॉयज। और मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि आज दिन का जो या फोर्थ मैच वाकई में बहुत ही महा मुकाबला, और इसी बीच लेकिन मैं कहना यहाँ भी कहना ये उचित नहीं होगा कि क्या इस मैदानी जंग में इसका परिणाम क्या होगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि और हमेशा एक अपेक्षा रहता है कि और हर सभी खिलाड़ी अपने अपने जगह पर एक सही प्रदर्शन कर सके, अपने अपने गति बनाए रखे, अपने तालमेल में कोई कमी नहीं रखे। और यही एक खूबी है कि अगर हमें अवसर मिलता है कि हमें मैदानी गोल देख करके अगर हार जीत होती है, तो वो एक हम अपने आप को लकी समझते हैं। और लेकिन चूंकि यहाँ पहले ही हमें दो गोल देखने को मिला है, दो मजबूती गोल देखने को मिला है एफसी ब्रदर्स के द्वारा, तो लेकिन यहाँ पर एक कड़ी चुनौती का सामना यहाँ पर करना होगा बैट बॉयज को। लेकिन अभी भी ये खिलाड़ी एक अच्छे फॉर्म पे लग रहे हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ तेज गति की रफ्तार में युवा खिलाड़ी यहाँ से देख रहा है अपने सहयोगी को, यहाँ पर विपक्ष को छकाने का प्रयास, लेकिन यहाँ पर एक अच्छा धुरंधर खिलाड़ी। और यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं बैट बॉयज के प्लेयर्स को देख रहा था कि वो कहीं ना कहीं अपील करना चाह रहे थे, लेकिन वहां पर एक अच्छा निरीक्षण के द्वारा उन्हें नहीं लगा कि यहाँ ये ऐसा और आ सकता है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर तेज गति की रफ्तार में यहाँ पर एसटी ब्रदर आपने तीसरी गोल की चुनाव में देखना है यहाँ पर, और यहाँ पर छकाने का प्रयास तेज रन शॉट, कहीं ना कहीं ये भी खतरा साबित हो सकता था, लेकिन इसी बीच फ्रेम में वहां टकराया। और ये हमने देखा था कि और अपने सपोर्ट टीम के लिए वहां पास बनाया था, लेकिन थोड़ा ढीला पास और उतर हद तक मैं गेम पोजिशन जमीन को पास खेला है, जमीन ने वहां पर सैगुन के लिए पीस होने वाला सैगुन का अच्छा क्रॉस, और यहां पर
ये अच्छा लॉकी हो गया है। और पहता एक लॉकी पास सुरेश के लिए। सुरेश ने वहां पर एक खिलाड़ी भी करने के बाद बेहतर मौका, लेकिन वहां पर पेनल्टी एरिया में रामचंद्र बेहतर एक खिलाड़ी ड्रिबल करने के बाद ये शॉट लगाए थे काफी नजदीक से, थोड़ा सा बाहर ढीला शॉट की तरह। गोलकीपर चांद ने एक बेहतर वहां पर ब्लॉक किया है, शानदार डाइव, लेकिन फिर से सुरेश और दूसरी बार वहां पर क्रॉस डालने की कोशिश, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से खिलाड़ी को बातचीत करके गिराया दिया गया है, लेकिन यहां पर रोल का इशारा। और एक गोल वापसी करने के बाद एफसी बेड बॉय टीम का जो मनोबल थोड़ा अभी अभी बेहतर है, इनका मनोबल अभी भी बुलंद हो चुका है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि काफी सारा वक्त अभी रहा गया है, लेकिन उतना ही वहां पर राम जंग का बेहतर एक प्रभावशाली शॉट के साथ देश को वापसी करने के लिए कोशिश कर रहे थे, बराबरी पर लाने के लिए कोशिश कर रहे थे, और इस तरह से जिस तरह से शॉट लगाए थे रामजन ने, और गेंद यहां पर क्लियर कर लगी और जिस अंदाज में एफसी बैट बॉयज को अटेम्प्ट को दस्ती को एम चुका कर और बुझे करा जल्द से जल्द अपना मैच रिया वापसी लगी कुरुमटूरे बना यहाँ का को और उनका बुझे करा बसे अंडे उसरा की नहा नवा मैदानी जंग रिया परिणाम तो बदलाव हो जुआ नवा मैदानी जंग रिया का परिणाम हुई वा नहा उनका तो अंडे उसरा पते बदलाव हुई वा चिता अंडे अंडे दोहासा मुकाबला बना टीम से करके बहुत लेकिन नोडे अंडे मौज को रिकवरी करा नगो एक्सीडेंट बहुत और कहीं ना कहीं नोडे मजा लिखा है और नोडे अंडे मौज बॉल सप्लाई का जगह साइमन एक्सीडेंट बहुत है उन्हें का कहीं ना कहीं धोखा की अटेम्प्ट आर बोले जहाँ धोखा की बॉल को हटी नहीं था पर से नुआ मैदानी दान के परिणाम पर चार हो बदला हुई कर गया लेकिन नोडे कोई अंडे मौज हेड के जरिए एफसी बैट बॉयज आयरन सहयोगी का तेल दिया लेकिन नोडे जर्सी नंबर तीन रे मिट्टी यू आ खिलाड़ी अड़ी चतुराई थे गेंद दे दिया कुरुमटो लेकिन नोडे कबूल दे रहा है चेल का आयरन सहयोगी हटी गए जमान ते दर शॉट लगा लेता नो लेकिन नोडे अड़ी मौज कलेक्शन कीपर द्वारा अच्छा और लेकिन नोडे को अड़ी मच दुआ दूसरा गोल या वापसी लगी कुरुमटो नोडे बैट बॉयज लेकिन अड़ी मच नोडे हेड के जरिया से जरूर नोडे प्रयास पे मौका बिना रहा प्रयास लेकिन यहां से अच्छा प्रयास रहेगा और लेकिन यहां चोटिल नजर आ रहे हैं खिलाड़ी लेकिन यही अटेम्प्ट यही अंदाज बनाए रहना होगा यदि भी एक चार यदि एक मौका अगर प्राप्त करते हैं तो उसमें वो कंप्लीट उस फिनिशिंग को कंप्लीट करते हैं लेकिन यहाँ अभी कड़ी मजबूती से डटे रहा है यहाँ एफसी बैट बॉयज क्योंकि यहाँ पर उन्होंने काफी काफी सदुपयोग किया है और यहाँ पर इनको तारीफ करना होगी क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा अपना टारगेट बनाए रखा है
सूरज हाई गोल चैलेंज वहां पर और ये काफी बेहतर ये फ्लिकी बॉल ये बेहतर हिडर देखो नदी न पाए थे क्रोस लिया बैठा सही बात हुई ना गोरकी का गोरकी के लिए तैयार है अच्छा और एक लापा गोरकी का लगे लेकिन वहां पर और दूसरे दृश्य नंबर पर और रामजन ने देख रहा वहां काफी मेहनत कर रहे हैं और इस तरह से इस मैच का फुल टाइम रिसीव और इस तरह